नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी के ऊपर। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम के काफी कम दिन बचे हुए हैं, तो इस समय ऐसा वक्त आ चुका है कि तैयारी को अपने पेस से बढ़ा देना है। तो अगर आपने अभी से तैयारी की स्पीड नहीं बढ़ाई है तो जल्दी से तैयारी की स्पीड को बढ़ा दीजिए। तो आज हम देख रहे हैं अपना क्विज नंबर 5, यानी कि हम लोग 1, 2, 3, 4 टोटल 4 क्विज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने अभी भी उन क्विज को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो आपके लिए क्विज है। तैयारी तो आप कर ही चुके होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्विज। इसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिल इज अ मनी बिल और नॉट विल बी डिसाइडेड बाई, मतलब है कहने का हिंदी में कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है। देखिए, दो तरीके के बिल होते हैं जो हमारे इंडिया सिस्टम में फॉलो करते हैं। एक तो होता है आपका मनी बिल, और दूसरे जो बिल होते हैं उसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं या फाइनेंस बिल। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी पूछी जाती है, कौन सा बिल मनी बिल है। तो इसको जाकर एक बार ज़रूर से आप पढ़ लेंगे। देखिए, कोई भी बिल मनी बिल है इसको डिसाइड करता प्रेसिडेंट, इसको डिसाइड नहीं करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी इसको डिसाइड नहीं करते हैं। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी इसको डिसाइड नहीं करते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेंगे कि ये वाला बिल मनी बिल है या नहीं है। और जो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। इससे मनी बिल से रिलेटेड एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि मनी बिल जो होगा हमारा ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और मनी बिल होता क्या है एक्चुअली, मनी बिल क्या होता है, जब भी हमारे मनी से रिलेटेड कोई डीलिंग्स होगी, जैसे टैक्स को बढ़ाने घटाने के समय, या इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको कितना पैसा कहां पर निकाल के लगाना है उससे रिलेटेड कोई बात हो रही होगी, या कहीं पर जैसे मान लीजिए कहीं इमरजेंसी आ गई किसी इंडिया में कोई, तो उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी बिल होंगे वो सारे बिल कहे जाएंगे मनी बिल। इसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु चेयर्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा है कि इंडिया के पार्लियामेंट में जो दो सदन होते हैं उनका जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंटली जो सेशन चलता है उसको कौन हेड करता है। तो ऐसे तो सोचने पे हमको लग रहा होगा कि शायद इसका आंसर प्रेसिडेंट हो जाए, लेकिन गलत हो जाएगा। हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट कुछ लोग सोच रहे हो, वो भी गलत होगा। प्राइम मिनिस्टर सोच रहे होंगे, वो भी गलत होगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि जो छोटे सदन का स्पीकर होगा लोकसभा, वो उनके ज्वाइंट सेशन को लीड करेगा। ठीक है, ये बात सबको पता होगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो सदन, एक है उच्च सदन एक है निम्न सदन। जो उच्च सदन है उसको बोलते हैं राज्यसभा, और जो निम्न सदन है उसको बोलते हैं लोकसभा। अब दोनों को अगर ज्वाइंटली अगर कोई सेशन बुलाया जाएगा तो मन में ये डाउट मत रखना कि छोटे सदन का जो स्पीकर है वो क्यों प्रोसीड करेगा। एक्चुअली में होता यही है, जो छोटा सदन है लोकसभा उसके जो स्पीकर हैं वही उसको लीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बिलोंग करते हैं। देखिए, फाइनेंस कमीशन, NDC, इलेक्शन कमीशन और प्लानिंग कमीशन, चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। इनमें से फाइनेंस कमीशन जो होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको भारतीय संविधान के हिसाब से सेटअप किया गया है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। NDC नहीं होगा, क्योंकि NDC एक अलग से आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग इस समय हो गया है, ये 5 ईयर्स प्लान को अप्रूव करता है NDC। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिया में जितने भी इलेक्शन होंगे उनको कंडक्ट कराने का काम इनको दिया गया है। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, ध्यान से आप देखिएगा, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही हैं इसमें। NDC बिल्कुल नहीं सही होगा,
और जो ये चौथा ऑप्शन दिया है प्लानिंग कमीशन, ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जिसको अब नीति आयोग बोलते हैं, ये लोग 5 ईयर प्लान्स को बनाते हैं और उस बने हुए प्लान को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव करती है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है और फाइनेंस कमीशन है, ये दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आंसर जो भी अपॉइंटमेंट्स वाले आते हैं, हम लोग आंसर टिक करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट आंसर नहीं होगा। लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये भी नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा स्पीकर, जो स्पीकर होता है वही सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को अपॉइंट करता है। पांचवा क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप, जो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है वो किसके द्वारा सेटअप करी गई है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बाई लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बाई द एक्ट ऑफ 1947। तो चारों ऑप्शन लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सही होगा, और वो जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारा बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान में इस चीज़ का व्याख्या करी गई है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ सेटअप करने की बात करी गई है। लॉ ऑफ पार्लियामेंट गलत है, बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर गलत है, 1947 ये भी गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सिक्योर, देखिए अभी हाल ही में प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन हुए हैं, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इनमें कह रहा कि अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसको कितने वोट मिले होंगे, तो पहला है मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट्स गलत है, 66% ऑफ वोट्स गलत है, 50% ऑफ वोट्स गलत है। इसका सही आंसर है मोर देन 50% वोट मिलने चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ द टोटल जितने भी वोट मिले हैं उनका मेजोरिटी ऑफ द वोट्स उसके साथ होगा तभी वो उसको जीतेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये चीज़ डिस्क्राइब करी गई है आर्टिकल 54 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ भारतीय संविधान के हिसाब से गलत है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, लोकसभा, निम्न सदन और आपका राज्यसभा, उच्च सदन, दो सदनों में। इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है निर्णय लेने के लिए, वो अपना डिसीजन सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम भी लगभग हमारे भारत में फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है, सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नॉट ए फीचर, जो फीचर नहीं है, तो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट, अदरवाइज चाइनाज जैसी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा प्रेसिडेंट ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट वाला गवर्नमेंट चाइना में लागू होगा, इंडिया में नहीं। आठवां क्वेश्चन, द मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, तो देखिए ज़्यादातर अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन जो आएंगे उनके आंसर होंगे प्रेसिडेंट, तो UPSC के मेंबर और उनके चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ, प्रीएम्बल जो हमारा है जिसको बोलते हैं प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना, उसके हिसाब से अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है, पार्लियामेंट कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सोच रहे होंगे ये भी गलत है, प्रेसिडेंट सोच रहे होंगे गलत है, सही आंसर है डी, यानी कि लोगों के हाथ में होती है पावर सबसे ज़्यादा।
लास्ट क्वेश्चन, मनी बिल, मनी बिल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कैन बी स्पेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ, कह रहा है कि इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो इनकम होती है जैसे टैक्स वगैरह हर जगह से जो फंड आता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, वो जो फंड होता है, तो उससे जो पैसा अगर मान लीजिए हमको किसी चीज़ के लिए लेना है तो किसके अप्रूवल से लेना पड़ेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द प्रेसिडेंट। देखिए दो ऑप्शन इसमें मैंने एक साथ लिख लिए हैं तो थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग हो गया है, वैसे यहाँ पर द प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पर पार्लियामेंट होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट में ये डिस्कशन किया जाता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे कितना पैसा कहाँ और किस तरीके से निकाला जाएगा, ये पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, इसको प्रेसिडेंट भी डिसाइड नहीं कर सकते, कैग भी नहीं कर सकते और स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी नहीं कर सकते, तो इसका सही ऑप्शन अलग से लिख लीजिए आप, पार्लियामेंट होगा, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर एक जैसे हो गए हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्विज, इसी तरीके से और भी क्विज मैं लगातार डालता रहूँगा, तो उन सारी क्विज को पार्टिसिपेट करिए एक्टिवली और तैयार करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आईबी के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किए हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा।